एक बात कहूं, अब बुरा तो नहीं मानेंगे ना? आप बहुत अच्छी है तो हम दोनों दोस्त हो ही सकते हैं ना? मेरा मतलब मैं आपसे प्यार करता हूं, सच। प्रेमा 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 कहां चली गई तू? मुझे पता है कि तुम अभी दुनिया में नहीं हो। देख मैं तेरे बिना कितना अकेला हो गया हूं। मेरे ख्वाबों ख्यालों में सही, कम से कम थोड़ी देर और रुक जाती तो। बता, इस तरीके के सपने में तो अक्सर देखा करता था। आखिर सपना तो सपना होता है, लेकिन सपना महज सपना नहीं होता। इससे हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि असल जिंदगी में ऐसे घटना घटते रहेंगे और उसे सपना समझकर भूल जाना होगा और आगे बढ़ चलना होगा, सत्य के पथ पर, वास्तविकता के पथ पर। लेकिन कुछ अनैतिक और असामाजिक लोगों को सत्य जहर लगता है, क्योंकि सन्मार्ग पर चलने से उनकी निस्वार्थ की पूर्ति नहीं हो पाती। इनका होशोहवास तब गुम हो जाता है जब सत्य अपना स्वरूप लेकर इनके सामने प्रकट हो जाता है। तब इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, मुंह खुला का खुला रह जाता है। तब ये भयग्रम रुकता है कि अब मेरा क्या होगा? जाने अनजाने में सब हो गया, क्या अब मेरा कोई प्रायश्चित नहीं होगा? क्या मैं इन कुकृत्यों से बाहर नहीं निकल पाऊंगा? क्षण क्षण मेरा शरीर सड़ रहा है, मेरा मन तो भीतर से भीतर ही सड़ चुका है। अपने आप से घृणा हो रही है, शरीर से दुर्गंध उत्सर्जित होने लगी है। मैं कितना कुरूप और विपस दिखने लगा हूं। हाँ क्या कहा? शांति मिल सकती है? हाँ क्या कहा? रुककर कर रहा होगा, करूंगा करूंगा सब करूंगा कि अभी से ही करूंगा। ले जाओ सब ले जाओ, ले जाओ ले जाओ सब ले जाओ, ले जाओ ले जाओ सब ले जाओ। Good job.